ये हमारे भरत भाई हैं श्रीराम मोबाइल से। संडे संडे इनको टाइम मिलता है तो ये कुछ हमारे लिए फोन्स लेके आते हैं। या कि 3 PCB लाए हैं जो चालू नहीं है या बंद है, जो भी प्रॉब्लम है ये हम अपने तरीके से ही डायग्नोस करेंगे। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 6S को लगाते हैं। जस्ट बैटरी कनेक्टर प्लग करता हूँ, इसको अभी बंद रखते हैं। ये मैंने बैटरी कनेक्टर जस्ट प्लग किया, इसको ऑन करते ही ये ऑटोमेटिक कंजम्पशन ले रहा है 458-460 के तकरीबन, राइट। इसको मेरी भाषा में लीकेज कहा जाता है, यानी इसमें मेन जो प्राइमरी लाइन है, मे बी बैटरी VCC और VDD मेन के अंदर कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि इसको चेक करने के लिए या कुछ रिपेयर करने के लिए मुझे DSO या और किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा पावर सप्लाई और मेरा दिमाग ही इसको रेडी कर देगा, ठीक है। वन मोर फोन दे ब्रिंग आईफोन XS, ओके। अगेन सेम, आई विल क्लोज द पावर सप्लाई, प्लग द केबल एंड पावर, ठीक है। अब ये फोन भी जो है वो 1200 मिली एम्पियर का ऑटोमेटिक कंजम्पशन ले रहा है, 1.2 एम्पियर और यू कैन से 1200 मिली एम्पियर। एज पर माई एक्सपीरियंस इसमें VDD बूस्ट की ही लाइन शॉर्ट है, जिसको भी आप प्राइमरी लाइन ही कहोगे। नए मॉडलों में बैट VCC, VDD मेन एंड देन तीसरी लाइन बनती है। VDD मेन में से ही एक रूट बन जाता है जिसको VDD बूस्ट कहा जाता है। एक्चुअली वो बूस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर टाइम तक वो VDD ही रहती है। जब बैटरी एक सस्टेन लेवल पे आती है तो VDD बूस्ट को पावर ऐसे कुछ EN सिग्नल भेजती है, ताकि वो बैटरी को थोड़ा सा आराम दे और जो अपने फोन को जो वोल्टेजेस चाहिए वो वहां से खुद बूस्ट करके बनाएगी। एक तीसरा फोन वो लाए हैं, अगेन इसको यहाँ पे रखते हैं, पावर प्लग कर दिया और इसमें कोई भी कंजम्पशन नहीं है। नो डाउट इनका कहना है चार्जिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन हम चार्जिंग वार्जिंग बाद में देखेंगे, पहले फोन का बूट चेक करेंगे। तो मैंने फोन का बूट चेक किया, जो मेरा फोन ओके बूट पे है। तो मुझे चार्जिंग बनाने के लिए भी फिलहाल तो मुझे DSO वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आजकल क्या हो गया है मार्केट में बहुत कुछ DSO चल रहा है। जिसने सीखा है अभी एक दो साल पहले या 6-8 महीने पहले, कुछ ज़्यादा ही गुणगान गा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमको DSO नहीं आता। वही चीज़ बताने के लिए मैं आज घर से, आप ऐसा समझ सकते हो कि दिवाली की सफाई, या तो मुझे याद ही था मैंने कहाँ रखी थी, मैं इसको घर से ढूंढ के लाया हूँ। इसमें DSO के वीडियोस हैं। 2019 में हमने ही इंडिया में सबसे पहले DSO से रिपेयरिंग कैसे होता है वो सिखाया। कंसेप्ट बच्चों को अच्छा नहीं लगा, हमने सिखाया, उनको समझ में नहीं आया, उनके पल्ले नहीं पड़ा, हमने उसको साइड में कर दिया। हमने अपने कंसेप्ट को इतना आगे लेके आए कि फिलहाल 70-80% फॉल्ट डिजोल्व करने के लिए टचवुड हमें DSO की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग 30 दिन से बेच रहे हो, कभी आपने देखा कि मैंने कोई भी फॉल्ट वापस ले लिया और जो नहीं बना अपनी दुकान में, ऐसा कोई हुआ? या किसी फोन को लेके मैं 4-5-8 दिन 10 दिन 12 दिन से जूझ रहा हूँ, ये जंपर मार रहा हूँ, वो मार रहा हूँ, नहीं कुछ किया? सटासट अपने पास डायग्नोस है। किस तरह का डायग्नोस है कि आया और मैक्सिमम एक्सीडेंट है जो उसको रेडी करके भेजते हैं। ऐसा लग रहा है कि फोन हम रिपेयर नहीं करते, या ऐसा लग रहा है आपको कि जब आपने DSO बस ये 2019 या 21-22 में सुना, उससे पहले इंडिया वाले रिपेयर नहीं करते थे, या कोई बंदा आपको आके ऐसा बोलता है कि इंडिया वाले फुद्दू हैं, आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, और आप उसकी बात भी सुन रहे हो और उसके पास पढ़ने भी जा रहे हो, तो मैं नहीं मानता आपके जैसा बेवकूफ और कोई दुनिया में होगा, ठीक है। तो अब ये चीजें जब बात गले पे आ ही गई है तो सारी खुलने वाली है। मैंने नवम्बर महीने का आपको वायदा किया था, DSO 110% आपको फ्री ऑफ चार्ज सिखाया जाएगा। सी DSO सीखने की कोई जरूरत है नहीं, जब बंदा सीखने आता है अपने पास रिपेयरिंग में, उसको पहले यार यही नहीं पता। जैसे मैं गौरंग भाई की बात करता हूँ, तो बेचारे ग्लास का काम छोड़ के अभी भी मोबाइल लाइन में आए, वो खुद ही अटके पड़े हैं। मेसा क्या है, मीसो क्या है, मांबा ऐसी कौन सी है, सर क्या स्टॉक होम होता है, क्या कंपास ऐसी होती है, उनको यही पता नहीं है। और उनको मैं पहले ही डायग्नोस्टिक चालू कर दूं DSO, वो लाइन शुरू करने की जगह छोड़ के भाग जाएंगे, हो सकता है वो ग्लास का काम भी छोड़ दे। तो ऐसा नहीं है हम DSO नहीं सिखाते, 110% सिखाते हैं। स्टार्टिंग बेच में बच्चे को बोला जाता है पहले आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखो, एल्गोरिदम पहले सीख लो, 2-4 महीना जाके दुकान पे काम करो, हमने जो सिखाया उसको तो पहले चेक करो। कई सारे बच्चे ग्रुप में ऐसे हैं कि उनको कभी कभी बोला जाता है कि बूट कैप का वोल्टेज देख, वो मैसेज करके बोलते सर बूट कैप कहाँ है, वो बेचारा वो नहीं ढूंढ पाएगा, वो क्या DSO से इसको डायग्नोस करेगा। तो उन बच्चों के लिए, या तो मैं सबके लिए एक ही बात बोलता हूँ कि पहले पढ़ के जाओ, आपके पास 6 महीने तक की विंडो ओपन है। 6 महीने के अंदर अंदर जब आपको लगेगा आप सस्टेन लेवल पे आ गए हो, सेकेंडरी आपके पास टाइम होना चाहिए और आपके कस्टमर के पास टाइम होना चाहिए, ताकि आपको फोन
एक दो दिन के लिए देखे जाए, आपके पास एक दो बंदे ऐसे हो जो नॉर्मल रिपेयरिंग करते हैं और आपके पास टाइम है, आप वेले बैठे हो और आप बाद में डीएसओ लेते उसको डायग्नोस करो तो चलेगा। लेकिन मैं फ्रेशर बंदे को सीधा डीएसओ जो हवा चल पड़ी इंडिया में, सच बोलूं बाहर वाले हंस रहे हम पे कि इंडिया वालों को हुआ क्या है। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आपको सीखना ही है। तो मेरे मंतव्य से डीएसओ सीखने के लिए कहीं नहीं जाना। आप जो लाख डेढ़ लाख दे रहे हो, वाह वाह कर रहे हो, सब गलत बातें हैं। जब आपने डीएसओ खरीदा था, रिगोल ने आपको एक बुक दी हुई है, उस बुक के अंदर उसके सारे सॉल्यूशन, उसको कैसे यूज किया जाएगा। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं जेसी की 13, क्या मैं चाइना सीखने गया था या कोई बंदा चाइना सीखने गया था या जेसी V1 AC को सीखने गया था या जेसी का ये जो कल हमने आनंद रशिंग वाला जो वीडियो देखा था, आपको लगता है कोई सीखने चाइना गया था? कुछ नहीं है, जेसी ने वो सॉल्यूशन अपलोड किया, उसकी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, हमारे जैसे लोगों को मैसेज आ गया कि अगर आप चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज में अपने बच्चों को सिखा देना, हमारे पास लैंग्वेज चाइनीज और इंग्लिश है। सेम रिगोल ने आपको जो बुक दी हुई है, अगर उस बुक को आपने ठीक से खोल के पढ़ लिया होता, 110% आपको कहीं ऑसिलोस्कोप सीखने जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी नेट पे बहुत सारी वीडियोज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ऑसिलोस्कोप कैसे यूज होगा, कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, पर वो सब चीजें इंग्लिश में। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी महीने में पूरे की पूरी कोशिश करेंगे कि डीएसओ के जितने भी बटन्स हैं, किस बटन को क्या कैसे यूज करना है, कैसे उसका ट्रिगर लेवल ऑन होगा, कब कितना वोल्टेज पे रखना है, कितने मिली एम्पियर पे रखना है, कितना माइक्रो सेकंड पे रखना है या मिली सेकंड पे रखना है, कैसे उसको वेव्स को देखना है, 1x फॉर्म क्या होता है, 10x फॉर्म क्या होता है, एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। वापिस एक बार बोलता हूं, वही बंदा उस वीडियो को ज्यादा देखेगा और वही उसको जो रियल में थोड़ा बहुत डायग्नोस जानता है, जो मेरा भाई 6-8 महीने से ऑलरेडी रिपेयरिंग कर रहा है, उसके पास एक दो बंदे दूसरे हैं जो ग्लास वगैरह कर रहे हैं या छोटे मोटे नॉर्मल जो दुकान पे काम आया, जैसे ये लीकेज वाला आया, अब वो बंदा डीएसओ के टेस्टिंग कर रहा है और लीकेज वाला काम आपके हाथ से छूट जाएगा। तो बात रही डीएसओ की, जो इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है, मैं चैलेंज मारता हूं एक दो महीने में जब ये मेरे सारे वीडियो आपके हाथ में आ जाएंगे, आप उसको देखोगे, आप खुद ही डिसीजन लोगे। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा डीएसओ खराब है, मैंने ऐसा कहा फिलहाल डीएसओ तेरे काम का नहीं है। जिस बच्चे को लाइन्स के बारे में नहीं मालूम, उसको यही नहीं मालूम कि पावर सप्लाई लगाने के बाद सबसे पहले सप्लाई कहाँ जाएगी, कौन सी एसी पहले ऑन होगी, कौन सी सेकेंडरी बूट होगी, पहले उसको वो समझाना होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक समझाना होता है। जब वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत पकड़ बना ले, उसके बाद ही उस बंदे को मैं ऑसिलोस्कोप सिखाता हूँ। कोई नहीं, अब पूरी दुनिया मांग रही है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं सर डीएसओ, तो वो चीज ऑलरेडी फ्री है, राइट, नेट के ऊपर पड़ी है। रिगोल भी आपको सिखाएगा, आप रिगोल को मैसेज करोगे तो रिगोल आपको वीडियो अपलोड करके देगा। की साइड करके वेबसाइट है, की साइड पे अगर आप चले गए तो 110% आपको फ्री में पूरा गाइडेंस मिलेगा। सेकेंडरी एक दो वेबसाइट मेरे पास दूसरी भी है, जो आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उधर से पढ़ सकते हो, लेकिन दिक्कत यही है कि वो सिर्फ इंग्लिश में। तो अब मैंने बीड़ा उठा लिया है, मैं आपको ये पूरी चीजें हिंदी में सिखाऊंगा। ये नवंबर का महीना, मैंने जानबूझ के काम छोड़ा हुआ है कि एक महीना मुझे कोई नया रिपेयरिंग नहीं करना, करता रहूंगा छुट मुट, यानी जैसे मैं एवरीडे करता हूं उसे पूरा हर रोज लोट लेके बैठ जाता हूं, ऐसा लोट लेके नहीं बैठूंगा। नवंबर महीना मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, मैं पूरा महीना आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा और आपको अपलोड करके के करके दूंगा। कहीं गलती से आपको सर लगता है कि मुझे डीएसओ सीखने भी जाना है, तो उसकी मैक्सिमम फीस होती है 5,000 रुपए, जो भी किसी को मिलने वाली नहीं है क्योंकि मैं तो फ्री करने वाला हूं। लेकिन आप लाख रुपया दे के सिर्फ डीएसओ की हवा में जा रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भैया। ऐसा कुछ मत करो, पहले नॉर्मल रिपेयरिंग सीख लो। और ऐसी बैच से मैं बिल्कुल नाराज हूं कि जहां 10 बंदे बैठे हैं उसमें से 2 बंदे सीख पाए और 8 लोग तो मेरे ख्याल से लाइन ही छोड़ चुके या तो काम ही छोड़ चुके। हम ऐसे काम में बिलीव करते हैं जहां 10 या 12 लोगों को पढ़ाओ लेकिन आउट ऑफ 12 10 पीपल हैव टू डू वर्क, ठीक है। तो अब इसके वीडियोस वगैरह बहुत जल्दी अपलोड होंगे, जिसको अपनी जो कमेंट करनी है कर सकता है। मैंने बीड़ा उठा लिया है, मैं ये फ्री में सिखा के रहूंगा, ठीक है। बात रही शायद मेरे वीडियो से किसी को बुरा लग जाए, सर मैं कुछ कर नहीं सकता, आप लोगों ने इतनी बड़ी हवा बना के रखी है कि अब मुझे उस हवा को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये एक महीना जो मैं रिपेयरिंग नहीं करूंगा, मोटा मोटी मेरी दुकान में 10 लाख रुपए का नुकसान है। लेकिन ऐसा एक साल भी बिगाड़ना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा है मेरे पास कि मैं पूरी जिंदगी आज से काम छोड़ दूं ना तो भी मुझे याद भी नहीं रहेगा कि भाई मैंने काम छोड़ दिया और मेरे पास पैसों की कमी है, ठीक है। सो अब जिसको जो नुकसान होना है हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो अपलोड होते रहेंगे, जिसको जो कमेंट करनी है करें,
ये 2019 वाला वीडियो मैं पहले दिखाऊंगा कि हमने 2019 में किस किस को ऑसिलोस्कोप सिखाया और कैसे किया था। ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ठीक ठाक से। फिर आपके पास लाइव ऑसिलोस्कोप लेके एक एक बटन, कौन से बटन से क्या होता है, किस बटन से मेजर होता है, किस बटन से ट्रिगर होता है, वोल्टेज ओवर टाइम क्या होता है, टाइम ओवर वोल्टेज क्या होता है, राइट, पिक टू पिक वोल्टेज क्या होते हैं, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, जो कि है ही फ्री। आप की साइड पे जाओगे, मैं उसी वेबसाइट का रेफरेंस लेके वैसे ही वीडियो बनाने वाला हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।